तो फाइनली हमने बोया का माइक है वो परचेस कर लिया है, और आज उसकी जो अनबॉक्सिंग है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। और जी मेरा आज ही आया है तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए जिससे आप लोग इसको परचेस कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा कि जी किस किस फ़ोन में काम करता है। तो यहाँ पर जी बोया का माइक है जो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। इसके संग जो भी चीज़ें हैं वो आपकी दी हुई हैं, जैसे ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर वगैरह सपोर्ट करता है, हाई क्वालिटी जो ऑडियो है उसको भी सपोर्ट करता है। इसकी जो प्राइस है वो जनरली दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2899 की, यानी कि 2899 रुपये। और जी जो बोया माइक है मुझे पड़ा है केवल और केवल 1200 रुपये का, तो ये बहुत ही अच्छी डील है जो बोया से मुझे मिली है। काफ़ी सारे लोग हैं मुझसे पूछ रहे थे कि पीसी में काम करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 3D लोगो है, QR स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके मतलब पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो मैं जल्दी से इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप जो रिकॉर्डिंग अभी सुन रहे हैं वो बोया के माइक से ही है, और मैंने इसको पहले जो बोया का माइक था उसको अनबॉक्स कर लिया था, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा इसको वॉइस ओवर कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो मैनुअल है वो जनरली सभी के साथ आता है, वो आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसको स्टार्ट करने से पहले इसको ऑफ़ करें, मतलब इसका एक स्विच होता है जिसमें आपको कैमरा और स्मार्टफोन के साथ करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ एक मुझे बैग मिला है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है, काफ़ी सही है। अगर देखा जाए, अगर माइक के अकॉर्डिंग देखा है तो इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही सही है। मतलब जनरली अगर आप इस माइक को कहीं ले जाते हैं तो यहाँ पर आप इसको डालकर ले जाते हैं, जिससे कि इसके जो वायर वगैरह हैं वो कहीं भी दिक्कत आपको ना करें। तो क्वालिटी ठीक ठाक है, जिस रेंज में ये मिला है उस रेंज में इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कौन कौन सी चीज़ें बोली हैं मिली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये इसकी जो केबल है वो समथिंग अराउंड 18 से 20 फिट की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 3.5 mm का जैक मिला है, और उसकी जो क्वालिटी है उसमें जो एलुमिनियम या फिर जो हम कह सकते हैं मटेरियल जो यूज़ करा गया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके साथ ही यहाँ पर और इसकी जो केबल की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी मिली हुई है। सबसे मेन पार्ट पर आते हैं, वो आता है यहाँ पर कंडेंसर। और कंडेंसर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक मिलता है हमें कैमरे के लिए और दूसरा मिलता है स्मार्टफोन के लिए। तो अभी मैं स्मार्टफोन में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अभी नीचे इसको कर देता हूँ। माइक की बात की जाए तो माइक की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, इसके जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी लगी। इसके साथ हमें मिला है यहाँ पर अभी 3.5 mm को अगर आप DSLR या किसी और एम्पलीफायर से कनेक्ट करना चाहते हैं इस माइक को, तो वहाँ पर हमें एक सॉकेट और मिला है। उसके साथ हमें मिला है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सेल मिला है मुझे जो जनरली इसमें लगता है, लेकिन आपको ये तभी लगाना है जब ये आप DSLR के साथ यूज़ कर रहे हो। तो अभी तो मैं स्मार्टफोन के साथ यूज़ करूँगा तो मुझे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी बात करिए मेन फीचर्स की, तो वो है इसका क्लिपिंग, और जो क्लिप मिली है उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो मटेरियल फिनिशिंग में दिया गया है मटेरियल ही है, और यहाँ पर जो क्लिपिंग है इसकी जो ऊपर लगी है वो प्लास्टिक की है, तो बड़ी आसानी से और बहुत सावधानी से आपको लगाना है। यहाँ पर ये सॉकेट है, ये जनरली यूज़ होता है DSLR में या फिर आप किसी भी बड़े एम्पलीफायर में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी कनेक्ट करके देख लेता हूँ। तो मैं बेसिकली 3.5 mm को अगर बड़ा बनाना चाहता हूँ और किसी एम्पलीफायर में कनेक्ट करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में आया है तो थोड़ा सा इसका सही नहीं गया था, तो अभी ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका कंडेंसर है उसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के साथ आपको दिखाऊंगा जो इसकी जो बैटरी आपको कहाँ लगानी है। तो मैं अभी बेसिकली बैटरी को यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर बैटरी मेरी ऑलरेडी काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं अभी DSLR के साथ इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बाद में आप लगा दूंगा, जब भी इसको यूज़ करूँगा, जब मैं लगाऊंगा इसे, तो मैं अभी तो इसको बंद कर देता हूँ। आपको अगर आपके पास DSLR है तो आप इसको यहाँ पर लगाना आपको कंपलसरी है। तो मैं अभी कर देता हूँ इसको बंद, और बंद करने के साथ ही आपके जो इसकी जो और फीचर्स है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जो आप क्वालिटी सुन रहे हो जो बोया के माइक की है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो माइक है ये काफ़ी सारे फ़ोनों में सपोर्ट नहीं करता है, जैसे रेडमी में, Redmi 3S में मैंने अभी लगा के देखा था तो ये सपोर्ट नहीं, मतलब ये फ़ोन माइक तो सपोर्ट करता है लेकिन जो Redmi 3S का जो कैमरा है वो अलाउ नहीं करता है किसी भी एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट करने का, तो इसलिए ये अलाउ नहीं करता। तो वहाँ पर ये हम सोचते हैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट तो पूरा पूरा करता है, क्योंकि मैंने जब उसकी ऑडियो रिकॉर्डर जो होता है फ़ोन में रेडमी में जो ऑडियो रिकॉर्डर था उसमें कनेक्ट कर देखा, तो वहाँ पर बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह काम भी कर रहा था। तो इस तरह जी बोया का माइक है, और जी मैंने परचेस कर लिया है। इसकी जो क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी आई है, और ये मुझे केवल केवल 1200 रुपये में मिला है। अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन पर, तो आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।